आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस मशहूर गाने से आप सभी को बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा वहीदा रहमान याद आई होंगी, जिन्होंने इस गाने में जान डाल दी थी और अपने इठलाती बलखाती अदाओं से हर किसी का दिल लूट लिया था। लेकिन दोस्तों, आज भी खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान बदलते समय के साथ काफी ज्यादा बदल गई है। जो कहाँ है, क्या कर रही है और कैसे जिंदगी बिता रही है, ये शायद ही आप जानते हो। इसलिए तो आज की इस वीडियो में हम आपको खूबसूरत अभिनेत्री वहीदा रहमान की आज की जिंदगी से रूबरू कराकर इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो चलिए, मगर ये सब जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 60 और 70 के दशक की बेहद ही खूबसूरत और हसीन अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्होंने हर किसी को अपनी अदाओं से मोहित कर लिया था। उनका जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु भारत में हुआ था और वहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की थी। पर अगर बात की जाए इनके एक्टिंग करियर की, तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 1955 में आई तेलुगु फिल्म रेजुलु मरई से की थी, जिसमें इनकी परफॉर्मेंस को देखकर निर्माता गुरुदत्त काफी प्रभावित हुए। इसलिए आगे चलकर उन्होंने वहीदा रहमान को 1956 में आई फिल्म CID में कामनी का रोल दिया, जो कि सभी को पसंद आया। और फिर इन्हें प्यासा फिल्म में देखा गया, जिसमें इनकी एक्टिंग सभी को पसंद आई और एक एक कर कई शानदार फिल्में करके वहीदा रहमान ने अपनी खूबसूरती, स्टाइल, अदा और अदाकारी से सभी का दिल जीत लिया। और साथ इनके खाते में कागज के फूल, 14वीं का चांद और साहिब, बीवी और गुलाम जैसी कई सुपरहिट फिल्में आईं, जिन्होंने इन्हें एक यादगार अभिनेत्री बना दिया। और वहीं से कई खूबसूरत गानों में भी नजर आईं, जिन गानों की पहचान उनके बोल नहीं बल्कि वहीदा रहमान बनकर रह गई। इस तरह से इनका करियर काफी शानदार रहा। लेकिन अगर बात की जाए बीते समय में इनके अंदर आए बदलावों की, तो आपको बता दें कि जहां पहले के जमाने में ये हमें सूट सलवार से लेकर साड़ी और वेस्टर्न आउटफिट में काफी खूबसूरत और हसीन नजर आती थी, वहीं आज ये 85 साल की हो गई है और ज्यादातर ये हमें छोटे सफेद बालों में साड़ी पहने हुए काफी सारी झुर्रियां और रिंकल्स के काफी बूढ़ी दिखाई देती है, मगर इनके चेहरे की रौनक आज भी बरकरार है, क्योंकि लोगों को तो ये आज भी काफी खूबसूरत लगती हैं। वहीं बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने साल 1974 में मशहूर एक्टर शशि रेखी, जिन्हें कमलजीत के नाम से भी जाना जाता है, उनसे शादी कर ली थी। पर इनके पति शशि रेखी का निधन 21 नवम्बर 2000 को हो गया, जिसके बाद ये अपने दोनों बच्चों केशवी और सोहेल रेखी के साथ अपने मुंबई के बांद्रा स्थित सी फेसिंग बंगले में रह रही हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेत्री वहीदा रहमान के बदले हुए रूप को देखकर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।